हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड जितने भी सेशन हैं सारे सेशन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा IT 402 क्लास 9 के बुक का है और बुक आपका सुमिता अरोड़ा हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट में जितने भी सेशन हैं हर सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया जाएगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हर प्रॉब्लम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आप हर सॉल्यूशन को समझ सकें। तो यहाँ पे आपका वीडियो में देख सकते हैं ये वोकेशनल स्किल का पार्ट है और सेशन वन में आपका सबसे पहला हो जाएगा व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट, सेकेंड इज नोइंग ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, थर्ड में आपका हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, फोर्थ में आपका हो जाएगा पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ ग्रूमिंग। तो ये आपका चार सेशन है अकॉर्डिंग टू बुक और इसी सेशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं असाइनमेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन थॉट एंड बिहेवियर एंड टेकिंग चार्ज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एट फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल लेवल। यानी सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप अपने इमोशंस को थॉट को बिहेवियर को जितने भी आपके शरीर के जितने भी एबिलिटी है हर चीज़ पे आप कंट्रोल कर सके और अपने अकॉर्डिंग काम कर सके जो आप चाहते हैं वो आप कर सके। तो ये सारे एक्टिविटी आपको सेल्फ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। लाइफ में जो भी आप काम करते हैं जो भी अच्छा सोचते हैं जो भी आपके लाइफ में कोई अच्छा होने वाला होता है ये सब आपके ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा काम होगा, जैसा आप करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। इसलिए आपके लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन टू, नेम सम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का नाम बताना है। सम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर आपका हो जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेकेंड इज सेल्फ मोटिवेशन, थर्ड में आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, फोर्थ आपका हो जाएगा पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, फिफ्थ में आपका हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस, सिक्स्थ में सेल्फ कमिटमेंट, सेवन सेल्फ कंट्रोल, एट सेल्फ रेगुलेशन। ये आपका कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है जो आपको अपने अकॉर्डिंग या जो भी आपके लाइफ में होता है तो कौन कौन से पड़ाव में कौन कौन से स्टेप में आपको क्या सोच समझ के चलना है ये सारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आते हैं। क्वेश्चन थ्री, टेकिंग वैकेशन हेल्प यू मैनेज योर डैस लेवल, तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेस लेवल। क्वेश्चन फोर, योर क्लासमेट अटर्ड बैड वर्ड्स एंड प्रोवोक्ड यू टू फाइट विथ हिम बट यू डिड नॉट रिएक्ट इन द वे ही वॉन्टेड, रैदर यू रिमेन कैल्म सो यू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, आपका इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट का इम्पैक्ट क्या क्या होता है। द इम्पैक्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट आर, सबसे पहला इट हेल्प अस हैव कंट्रोल ओवर निगेटिव इमोशंस बिहेवियर्स एंड हैबिट्स, सेकेंड इट हेल्प्स अस टू बी ऑर्गेनाइज, थर्ड इट हेल्प अस टू टेक ऑनरशिप ऑफ आवर एफर्ट्स एक्शन एंड वर्क, फोर्थ इट हेल्प अस टू टेक अप चैलेंज एंड अचीव आवर गोल्स। यानी अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव होगा, ये प्रभाव आपका चार यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा भी आप अपने मन से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है क्या प्रभाव होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन सिक्स, डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है और आपको अपने अंदर में जो भी स्ट्रेंथ है वीकनेस है उसको जानना क्यों जरूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप हर स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें। तो आंसर में हो जाएगा स्ट्रेंथ इज द इक्वालिटी विच वन इज गुड एट एंड वीकनेस इज द एरिया होल्ड अस बैक एंड डोंट लेट अस परफॉर्म एज आवर ट्रू पोटेंशियल। तो स्ट्रेंथ वो क्वालिटी है जिससे आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकें और वीकनेस एक ऐसा डिमेरिट है जो आपको किसी काम करने से रोकेगा। यानी आपके मन में जब निगेटिव आता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं डैट इज़ योर वीकनेस।
तो हर आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ होता है और एक वीकनेस होता है, उसी स्ट्रेंथ को पहचानना है और वीकनेस को इग्नोर करना है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू अचीविंग बिग और ऑल फ्रंट्स, प्रोफेशनल फ्रंट, मॉरल फ्रंट, स्पिरिचुअल फ्रंट एंड सो ऑन। हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम लोग लाइफ में जो भी परेशानी होती है, जो भी हमें कोई टास्क दिया जाएगा, कोई वर्क दिया जाएगा, उसे हम आसानी से फेस कर सके। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कुछ करने की जज्बा है, तो आप लाइफ में हर कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर निगेटिविटी भरा हुआ है, तो आपको कोई भी कितना मोटिवेट करे, आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने वीकनेस को हाइड कीजिए, उसको हटाइए और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ ही आपके लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। क्वेश्चन 7, डिफाइन एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑन अबाउट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी? एबिलिटी एंड इंटरेस्ट क्या होता है और आपको ये क्यों जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और एबिलिटी क्या है? आंसर में आपका हो जाएगा, एबिलिटी आर द नेचुरल स्ट्रेंथ दैट कम इजली टू यू विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स। द इंटरेस्ट आर द एक्टिविटी दैट यू इंजॉय डूइंग दिस गिव यू सेटिस्फैक्शन। देखिए, एबिलिटी एक तरह का नेचुरल स्ट्रेंथ होता है जो आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, हर स्टूडेंट के अंदर उसकी एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, जो वो किसी काम को बहुत ही लगन से करता है, मेहनत से करता है। और जब आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी आएगा, तो ऑटोमेटिक आप किसी भी काम को, एक्टिविटी को इंटरेस्ट से करोगे। और जब उस काम को इंटरेस्ट से करोगे, तो आपको उस काम में अपने आप सेटिस्फेक्शन होगा। तो एबिलिटी क्या होता है? एक नेचुरल स्ट्रेंथ होता है जो आपके काम को आसान बनाता है, और इंटरेस्ट एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो आप उस काम को करोगे तो इंजॉय करोगे और प्लस आपको काम करने में सेटिस्फेक्शन होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑन अबाउट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी बिकॉज यू कैन इजिली टेक डिसीजन अबाउट द थिंग्स दैट रिक्वायर्ड बोथ ऑफ दीज, सच एज यू मे पिक द कॉमन एरियाज फॉर क्रूशियल डिसीजन सच एज योर कैरियर गोल्स। तो हमें इंटरेस्ट और एबिलिटी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें किसी भी डिसीजन को लेने में आसानी होती है। यानी आप कौन से फील्ड में क्या कर सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने एम को डिसाइड कर सकते हैं, अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट एबिलिटी जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन 8, नेम सम टूल्स मेथड टू नो अबाउट वन सेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल, डिपेंडेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, सॉल्विंग प्रॉब्लम, लीडरशिप स्किल। ये आपका कुछ टूल्स हो गया, मेथड हो गया, जिससे आप अपने बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम? सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड हैव बिलीफ इन आवर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। सेल्फ स्टीम इज हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ लव वी हैव फॉर आवर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा अपने अकॉर्डिंग एबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, जो आप अपने बारे में जान सको कि आप क्या कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप किसी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर उस काम को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिजल्ट 100% आएगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम क्या होता है? किसी काम को करने में आप कितना पॉजिटिव है, आप उस काम को कितने पॉजिटिव रूप से कर सकते हैं, यानी उस काम करने में कितना आप निगेटिविटी से दूर रहते हैं, डेट इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। इससे क्या होता है कि आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से करोगे और उसका रिजल्ट 100% सही आएगा। क्वेश्चन 10, वाई इज पॉजिटिव थिंकिंग सो इम्पॉर्टेंट? पॉजिटिव थिंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट गिव्स अ पॉजिटिव अप्रोच दैट लुक्स टुवर्ड्स लाइफ चैलेंज विथ अ पॉजिटिव आउटलुक और फाइंड्स पॉजिटिविटी इन एवरी थिंग हैपनिंग अराउंड इवन इफ इट अपियर्स एज नॉट सो पॉजिटिव। देखिए, आजकल के समय में पॉजिटिव थिंकिंग जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो आपका इन्वायरमेंट वैसा ही बनता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप डिफरेंट जो अचीवमेंट है, जो डिफरेंट चैलेंज है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है
वो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करने में मदद करेगा, और जो भी चीज़ आपका अगल बगल में हो रहा है वो भी आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो जो काम बनने वाला भी रहेगा वो नहीं बनेगा, यानी कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपको उस काम को बनने नहीं देगा। इसलिए यू मस्ट थिंक पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। लिस्ट सम टिप्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, आंसर में हो जाएगा पॉजिटिव सेल्फ टॉक, फाइंडिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर अदर, अप्रिसिएट ऑन अचीवमेंट, ट्रीट ऑन फेल्यूअर एज लेसन, लर्न हाउ टू शट अप निगेटिव वॉइस इन हेड। देखिए कुछ टिप्स है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। सबसे पहली बात कि आपको पॉजिटिव बात करना है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है यानी आप जो सोचते हो वो दूसरे को बताइए पॉजिटिव रूप में, जो भी आप अचीवमेंट लेते हो तो उसको पॉजिटिव रूप में बताइए दूसरे को, कभी भी दूसरे का फेलुअर से आप सीखिए, यानी कोई अगर असफल होता है तो उसकी असफलता से आप सीखिए, उसके पॉजिटिव रूप को लीजिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और अपने आसपास से निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव थिंकिंग को हटाइए, तो ये तब आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर ला सकते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग, वर्किंग ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्फ इमेज एलॉन्ग विथ हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ विथ अदर एंड इन रिस्पॉन्स टू चैलेंज एंड सिचुएशन इज कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। देखिए सेल्फ ग्रूमिंग मतलब क्या हो गया, जब अपने इमेज को, आप अपने इमेज को इम्प्रूव करते हैं और किसी काम को करने के लिए मेहनत करते हैं, उसमें आप जी जोर ताकत लगाते हैं, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा आता है, या हर तरह के सिचुएशन में आप चैलेंज देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। यानी सेल्फ ग्रूमिंग मतलब क्या हो गया कि आप अपने इमेज को बेहतर बना रहे हैं, यानी आपका जो इमेज है वो निखर रहा है, आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग आप फेमस हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। वॉट इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स ओइंग अप एंड बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू एंड आर एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रीजन फॉर इट। देखिए अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, यानी जब आप किसी काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जब आप किसी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करते हैं, डैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। यानी इसमें क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी मीन्स ओइंग अप एंड बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू, यानी आप क्या कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा, एंड आर एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रीजन फॉर इट। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, जो उसका रिजल्ट आएगा, दूसरे को सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि जो आप कर रहे हैं उससे दूसरे को संतुष्टि मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जब आप किसी काम को करते हैं और वो काम पूरी तरह से मेहनत से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो दूसरे को सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन 14, व्हाट इज डिपेंडेबिलिटी, आंसर में हो जाएगा डिपेंडेबिलिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बींग रिप्लाइड अपॉन और एबल टू काउंटेड ऑन। तो डिपेंडेबिलिटी एक ऐसा क्वालिटी होता है जिसमें हम किसी भी काम को जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। यानी एक ऐसा क्वालिटी होता है जिसमें हम किसी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग परखते हैं, जांचते हैं, ठीक है, यानी डिपेंडेंट रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं।